अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन। जी हां, अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैंने हमेशा आपको बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दी हैं। उसकी वजह से मुझे काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। मोस्टली लोगों का कहना है कि हम जनाब हमेशा सेक्स के बारे में ही क्यों बात करते हैं या सेक्सुअली एक्टिविटीज़ को ही क्यों डिस्कस करते हैं। तो जनाब ऐसा नहीं है, हमारा अल सौदिया का जो हर्बल टिप्स है वो एक अलहदा से प्लेटफॉर्म है, लेकिन है अल सौदिया का, जिसमें आपको आपकी हर बीमारी का, हर मसले का हल मिलेगा। चाहे उसमें स्किन है, चाहे उसमें आपके हेयर्स हैं, आपका लिवर है, आपकी किडनी है, इनफैक्ट ईच एंड एवरीथिंग जो आप उस पर ढूंढना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। अल सौदिया हर्बल टिप्स के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आपके मसलों के हल मिलेंगे, हर बीमारी का हल मिलेगा विद ट्रीटमेंट। आपको उसमें हर्बल ट्रीटमेंट बताया जाएगा जिससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट हम सेक्स के बारे में बात करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ये चैनल हमने ख़ास सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है कि जिनको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, और मोस्टली आपको पता है कि यंग जनरेशन जितनी भी है, यंग जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि उनको अपनी हर उस बात का जवाब चाहिए जो उनसे रिलेटेड है। लाइक दैट आज की जो यंग जनरेशन है, किसी को टाइमिंग का मसला है, किसी को सूरत अंजाल का मसला है, किसी को मतलब जरियान का मसला है। अब ऐसी सूरत में हम सारी टॉपिक्स मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन ने एक प्लेटफॉर्म आपके लिए इस चीज़ का बनाया है, और दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी तमाम डिजीज़ के बारे में बनाया है ताकि आपको इजीली एक चीज़ मिल सके। आप दोनों चीज़ें मर्ज करेंगे तो आपको वो चीज़ें ढूंढना मुश्किल हो जाएंगी। तो हमारे साथ रहें, हम इंशाल्लाह आपके साथ हर किस्म के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज जिस पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो लेडीज़ से रिलेटेड है, जिसमें लेडीज़ की विजाइना में जो मतलब ख़ारिश होती है, एलर्जी होती है, वो किस वजह से होती है, उसकी कितनी वजूहात है और वो किस तरह ठीक हो सकती है। तो ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लेडीज़ में जो विजाइना ख़ारिश है, विजाइना एलर्जी है, वो कैसे होती है, क्यों होती है और वो ख़त्म कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि विजाइना में जो एलर्जी होती है वो समटाइम दोनों मतलब कुछ लाइफ पार्टनर्स होते हैं जिनके एक को बीमारी होती है तो वो दूसरे को लग जाती है, अगर दूसरे को बीमारी है तो वो पहले वाले को लग सकती है। तो इस सूरत में दोनों का ट्रीटमेंट लाजमी है, दोनों को चाहिए कि अपनी साफ़ सफाई का ख्याल लाजमी रखें ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। लेकिन अगर इनके साथ को ये बीमारी हो गई है तो इस बीमारी में सबसे पहले आपको लेडीज़ को चाहिए कि जेंट्स को मना कर दें, जब तक उनकी ये बीमारी ठीक नहीं हो जाती उनसे कह दिया जाए कि वो दूर रहें, ताकि जब तक ये बीमारी कम्प्लीटली ठीक नहीं होगी वो दूसरे को लग जाएगी और दूसरे से मतलब हस्बैंड से फिर वापस आपको हो सकती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप नमक कम इस्तेमाल करें, सेकेंडली आप मुर्गन गजाएं, चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं वो कम इस्तेमाल करें, बल्कि करें ही ना, आपके लिए बहुत बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप सोहबत के बाद, मतलब जैसे आप एक दूसरे के साथ बैड रिलेशन कायम करते हैं, तो उसके फौरन बाद खाना ना खाएं, क्योंकि इस तरह से आपको काफ़ी और बीमारियां भी लग सकती हैं। अभी तो ये जस्ट विजाइना ख़ारिश है, विजाइना एलर्जी है, इसके अलावा अगर आप आफ्टर सेक्स फौरन खाना खा लेती हैं, सेक्स मतलब वो गुसल नहीं करती हैं या फ्रेश नहीं होती हैं, तो इससे आपको भूल जाने की बीमारी भी हो सकती है। एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरा हमारे पास है जनाब के मर्द और औरत को डेली बिस्तर चेंज करना चाहिए, लाइक दैट अपनी बेडशीट चेंज करनी चाहिए, साफ़ सुथरे पिलो कवर्स हों, चादर हो, उससे भी काफ़ी हद तक बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। समटाइम ये होता है कि कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं चादर के ऊपर, हम कहते हैं जी ठीक है कोई बात नहीं अभी चल जाएगी, तो उससे बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। बैक्टीरिया पैदा होने की वजह से वही बैक्टीरिया आपको आपकी स्किन को लगती हैं, आपकी स्किन की मतलब एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, वो फिर आप कितनी भी मेडिसिन खा ले वो ख़त्म नहीं होती। तीसरा है कि अगर आप बुखार की हालत में सेक्स करते हैं तो बुखार की हालत में वो जो बुखार है वो आपकी हड्डियों में चला जाता है,
वो आपके जिस्म की हरारत में मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से एक बीमारी है दिक, तपदिक जिसको कहते हैं, तपदिक भी बीमारी आप में आ जाती है, जो कि आप कुछ भी कर लें आपका बुखार जाता ही नहीं है, और एटलीस्ट वो बुखार आपकी हड्डियों में शामिल हो जाता है, तो आपको आए दिन कभी टाइफाइड, कभी तपदिक, कभी कुछ ना कुछ हुआ रहता है, और जिससे आप परेशान हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा मुर्गन गजाएं, मीठी चीज़ें लाइक दैट अंडा, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, इस टाइप की चीज़ें आप यूज़ ना करें, ये भी आपकी विजाइना को काफ़ी हद तक नुकसानदेह आपकी विजाइना के लिए साबित हो सकती हैं। उसके बाद जब आप खाना खा चुके हैं, तो खाना खाने के फौरन बाद भी आप सेक्स ना करें, क्योंकि इससे भी आपकी विजाइना में जो खाने की हीट होती है वो मतलब एक्सॉस्टन जो होती है वो आपकी विजाइना में दाखिल हो जाती है। उसकी वजह से समटाइम कुछ खाना हमने गर्म खाया होता है, मुर्गन गजाएं खाई होती हैं, या कुछ मतलब करेले इस टाइप की चीज़ें खाने की वजह से भी, वो हरारत की वजह से भी आपकी विजाइना में ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इससे मतलब ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये है कि इससे कमज़ोरी फील होती है, इससे आपके जो टाइमिंग में फ़र्क आ सकता है, इस वजह से परहेज़ करना चाहिए। दूसरा, जब आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आया हो तब भी आपको सेक्स करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि यूरिन के ज़ोर की वजह से भी आपके जो मसाना और पेशाब की नाली के अमराज पैदा होते हैं उससे भी आपकी विजाइना में ख़ारिश पैदा हो जाएगी। दूसरा, जब आपकी आँखें मतलब आँखों की कोई बीमारी हो लाइक दैट समटाइम होता है कि सुजाक आँखों को वो दुखती हैं, जिसे कहते हैं कि आँखें आई नहीं हैं, आँखें दुख रही हैं हमारी, लाल हो रही हैं, और वो काफ़ी इन्फेक्टिव मतलब उसका ये कह ले कि इफेक्ट कर जाती हैं, इन्फेक्शन हुआ हुआ होता है, तो तब भी आप सेक्स करने से परहेज़ करें, उससे आपकी आंखों में जख्म और सफ़ेदी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आईसेट इफेक्ट कर सकती है। नशे की हालत में भी आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो नशे में जब आप सेक्स करते हैं तब विजाइना का जो ख़ारिश है, एलर्जी है, वो मुश्किल से जाती है। दूसरा, आपको हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 85% बीमारियों की जड़ बन जाता है जब आप नशे की हालत में सेक्स करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जिस दिन आप लोगों का मतलब आपस में रिलेशन रखने का मूड हो, तो मर्द को चाहिए कि सुबह ही अपनी बीवी से कह दे, ताकि वो सारा दिन जो काम काज करके फ्री होके अपने आप को बना संवार ले, अपनी साफ सफाई कर ले, इनफेक्ट अपनी विजाइना को साफ रखे, ताकि इन फ्यूचर उसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये एक जो आपके जिस्म की सफाई है ये भी बहुत काउंट करती है आपकी बीमारियों को दूर करने में। सबसे लास्ट में ये है कि जब आप मतलब जो औरत है सेक्स करने के पहले वॉशरूम जाती है, यूरिन करती है, उसके बाद उसको ठंडे पानी से अगर वॉश कर लेती है तब भी बहुत हद तक सेफ होता है, ताकि वो अपनी विजाइना, एक तो इससे विजाइना में थोड़ी तंगी आ जाती है जिसकी वजह से आपका सेक्स ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तीसरा ये है कि आपको कोई इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि जो विजाइना में आपकी ख़ारिश होती है, विजाइना में एलर्जी पैदा हो जाती है, इनसे आप दूर रह सकें, क्योंकि समटाइम ये होता है कि ये एलर्जी बहुत मुश्किल से जाती है, जिसकी वजह से औरतों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं भी किसी वक्त भी ख़ारिश जो है ना वो स्टार्ट कर देती हैं, जैसे एम्बैरेसिंग का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, हमारे साथ रहें, हम मज़ीद आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होंगी। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।